नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोने। उमेशपाल मर्डर केस के आरोपी गैंगस्टर अतीक अहमद को यूपी पुलिस गुजरात के अहमदाबाद से यूपी के प्रयागराज लेकर जा रही है। काफिला यूपी के झांसी पहुंचा और पुलिस लाइन में करीब डेढ़ घंटे रुकने के बाद प्रयागराज की ओर रवाना हो गया है। टीम जालौन में कुछ देर रुकी और वैन में डीजल भरवाकर प्रयागराज के लिए निकली। यूपी में दाखिल होने से पहले काफिले की एक गाड़ी से गाय टकरा गई और इस दौरान गाय की मौत हो गई। इससे पहले काफिला एमपी के शिवपुरी में भी रुका जब अतीक वैन से उतर रहा था। अतीक को प्रयागराज के एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में 28 मार्च को पेश किया जाएगा। प्रयागराज लाने के दौरान अतीक एसटीएफ की वैन में करीब 1300 किलोमीटर का रास्ता तय कर रहा है। सफर 22 से 24 घंटे का है। पुलिस ने पहले रूट सार्वजनिक नहीं किया था, लेकिन बाद में पता चला कि अतीक को राजस्थान मध्य प्रदेश होते हुए प्रयागराज के लिए ले जाया जा रहा है। काफिले की सुरक्षा के लिए दो वैन में करीब 30 हथियारबंद जवान मौजूद हैं। तो आज इसी मुद्दे पर होगी बात। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल भी साथ होगा, ऑपरेशन अतीक साबरमती टू प्रयागराज। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट आप देखिए। वो ना जिसका खौफ कभी ऐसा था कि उसके नाम से अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाया करते थे। अतीक के नाम से यूपी में एक समय में अच्छे अच्छे शेर उठते थे। आज अतीक भीगी बिल्ली की तरह मिमिया रहा है। मेरी हत्या करना चाह रहा है। आज अतीक को अपनी जान खुद खतरे में लग रही है। जेल और कोर्ट के बीच जाते वक्त अतीक अहमद जो कभी हाथ हिलाते हुए निकला करता था, वो आज डर के साय में है। जेल से निकलते वक्त उसके चेहरे पर वो भय नजर आया जो कभी विरोधियों के चेहरे पर नजर आता था। आज आलम यह है कि उसके परिवार को भी उसके मारे जाने का और गाड़ी पलटने का डर है। जो मुख्यमंत्री का बयान आ गया था, इस वजह से मुझे डर है। क्या लग रहा है? उन्होंने विधानसभा में बयान दे दिया था, उससे डर लग रहा है। 24 फरवरी को उमेशपाल की हत्या के बाद योगी आदित्यनाथ का मिट्टी में मिला देंगे वाला बयान उसके नापाक इरादे नस्ते नाबूद करने के लिए काफी था। इसलिए तो साबरमती जेल से निकलते वक्त खूंखार माफिया अतीक अहमद को बार बार ख्याल आ रहा था कि कहीं उसकी गाड़ी ना पलट जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो जब अतीक को साबरमती जेल से प्रयागराज ले जाया जा रहा था तो बार बार उसे गाड़ी पलटने का डर सताया जा रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जब अतीक अहमद को ये बात पता चली कि उसे अब साबरमती से प्रयागराज ले जाया जाना है, तो उससे पहले उसने मना कर दिया, जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। घंटों पुलिस अधिकारियों के बीच और अतीक के बीच मान मनोबल का दौर चला और बड़ी मुश्किल के बाद अतीक अहमद प्रयागराज जाने के लिए तैयार हुआ। और जैसे ही पुलिस वैन में सवार हुआ होता, और उससे पहले उसने मीडिया के सामने बयान दिया कि कोर्ट के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाह रहे हैं, मेरी हत्या करवाना चाह रहे हैं, ये अतीक अहमद खूंखार डॉन माफिया। वो अतीक जिसके नाम से पहले यूपी शहर उठता था, लेकिन आज वो अतीक अहमद खुद सिरा उसेरा हुआ है, खुद दहशत के साए में है, भीगी बिल्ली की तरह मिमिया रहा है और बार बार सुरक्षा की गुहार लगा रहा है और कह रहा है कि मेरी हत्या हो सकती है, मेरा एनकाउंटर हो सकता है, मेरी गाड़ी पलट सकती है। ये बात कहता हुआ नजर आ रहा है माफिया अतीक अहमद। चलिए चर्चा पे आते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। राघविंद्र सिंह हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, और प्रोफेसर भवन भास्कर जोशी साहब हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। प्रोफेसर साहब बहुत स्वागत है आपका, राघविंद्र जी आपका भी स्वागत है। लेकिन प्रोफेसर साहब शुरुआत आप ही के साथ, अतीक अहमद आ रहा है सर, कोई टेंशन तो नहीं है? देखिए हमें किस प्रकार की टेंशन होगी, हम विपक्ष के लोग हैं। नहीं आप टेंशन में लगे थे इसलिए मैंने पूछा, शिकन दिखी जरा चेहरे पे, तो सोचा जनाब का हाल जान लिया जाए।
हमारा हाल तो अच्छा है, हमारे को क्या टेंशन होनी है, हम लोग तो शिक्षक लोग हैं, शिक्षक लोगों को क्या टेंशन होगी। मैं तो आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से हमारे जो समाजवादी के लोगों की लड़ाई है वो लड़ाई है संविधान बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई। ये तो चिंता उन लोगों को करनी है जिन्होंने माननीय मुलायम सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ाने का काम करा, डाकू को और कंधार। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन राघवेंद्र दुबे मुस्कुरा रहे थे जब मैंने आपके हालचाल जानने की कोशिश की। लेकिन राघवेंद्र दुबे, गाड़ी पलटेगी कि नहीं, क्योंकि कुछ ही घंटे का समय रह गया है मात्र प्रयागराज की दूरी तय करने में। कहां गाड़ी पलटेगी तो चौक पर, चौराहे पर, कान पान की गुमटी पर, चाय की दुकान पर। शिवम जी देखिए, गाड़ी पलटने का कोई सवाल ही नहीं होता है। गाड़ी की जो हर गाड़ी में बेहतर ड्राइवर दिए गए, एक नहीं दो दो ड्राइवर दिए गए। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, आप ही के पार्टी के सांसद और विधायक कह रहे थे कि गाड़ी पलट सकती है, जैसे उमेश पाल, जैसे विकास दुबे की पलटी। हाँ नहीं देखिए, दुर्घटना किसी के साथ हो सकती है, दुर्घटना कोई बता के नहीं आती है, लेकिन जो ड्राइवर है बहुत ही अनुभवी ड्राइवर है और उनके साथ एक सीनियर आईपीएस अधिकारी भी जा रहे हैं। पूरी चुस्त व्यवस्था हमारी सरकार ने की हुई है, लंबी यात्रा है, रुक रुक के आ रहे हैं, शाम तक आ जाएंगे। लेकिन जोशी साहब, प्रोफेसर साहब, राघवेंद्र सिंह गारंटी ले रहे हैं, कह रहे हैं गाड़ी नहीं पलटेगी, टेंशन मत लीजिए। गाड़ी पलटे ना पलटे तो इनकी सरकार का विषय है। नहीं, इसलिए मैं तो इसलिए कह रहा हूँ ना, क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा था कल कि भाई गाड़ी पलट सकती है, इससे पहले समाजवादी पार्टी के कई नेता कह चुके हैं। नहीं आपने इसका मतलब अध्ययन नहीं करा, इसमें आप बहस पे आ गए, आपने अध्ययन नहीं करा। एक महीने से भारतीय जनता पार्टी के सांसद कह रहे हैं, नहीं मैंने ये बात नहीं, मैंने बात सवाल पूछ लिया ना राघवेंद्र जी से सर। मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ, एक महीने से भारतीय जनता पार्टी के, जब से ये घटना घटी है, भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री कह चुके हैं, मंत्री कह रहे हैं, एमएलए कह रहे हैं, एमपी कह रहे हैं, शुरुआत किसने करी? हमने तो ये कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं तो गाड़ी पलट सकती है, तो गाड़ी पलट कैसे? मान लिया अखिलेश यादव जी ने कहा, और निश्चित तौर पे हम ये कहते हैं, हम तो जिस प्रकार बुलडोजर का विरोध करते हैं, हम गाड़ी पलटने के खिलाफ है। हम लोग तो चाहते हैं इस देश में कभी कभी इस देश में संविधान का, इस देश के कानून से देश चलेगा। ठीक है, हम लोग तो जिस संस्कृति के खिलाफ है तो खुल के खिलाफ है, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है। और ये तो जवाब उन लोगों को दे रहा है जिनकी शुरुआत हम लोगों ने देखी कंधार में, आतंकवादी छोड़ने का कारपेट का इतिहास किसका है, कॉर्पोरेट लैंड कॉर्पोरेट में किसका है, भारतीय जनता पार्टी का है। मुलायम सिंह के खिलाफ डाकू को टिकट देने का किसका इतिहास है, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है। ये लोग तो इनको जवाब दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन राघवेंद्र जी, प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि बात समाजवादी पार्टी ने कहा कही, तो बीजेपी के नेता कह रहे थे, सांसद कह रहे थे कि गाड़ी पलटेगी पिछले एक महीने से। नहीं नहीं भाई देखिए, उन लोगों ने आशंका व्यक्त की थी, लंबी दूरी है, 1000 किलोमीटर से ऊपर की यात्रा है, दुर्घटना हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं, अनुभवी जो चालक दल साथ में है। मेरी बात नहीं पूरी होने दी शिवम जी, मेरा कहने का मतलब इनके चेहरे पर सिकन क्यों नहीं है? एक समाजवादी पार्टी का पूर्व विधायक, एक समाजवादी पार्टी का पूर्व सांसद जो कि जेल में है, इतने बड़े आपराधिक मुकदमे के साथ जेल में है, इतनी लंबी दूरी यात्रा करके आ रहे हैं, और इनके कहने के अनुसार हमारे नेतागण कह रहे हैं गाड़ी पलट जाएगी, तो इनके चेहरे पर तो सिकन होनी चाहिए। एक समाजवादी लोग ये बता रहे, वही समाजवादी है, एक व्यक्ति एक पुलिस के, बताइए भवन जी, बताइए लंबी दूरी यात्रा करके जी आ रहा है। प्रोफेसर साहब देखिए, मैं इनको बताना चाहता हूँ, लगातार जो इनके जो बयान आ रहे हैं उसको बढ़ाकर माननीय अखिलेश यादव जी ने प्रतिक्रिया दी है, और सिकन हमारे क्यों आएगी? सिकन भारतीय जनता पार्टी को कोर्ट को जवाब देना है, मानव अधिकार को जवाब भारतीय जनता पार्टी देगी, हमें थोड़ी जवाब देना है? भारतीय जनता पार्टी को जवाब देगा संविधान को, और मानवाधिकार को कौन जवाब देगा? भारतीय जनता पार्टी देगी, हम थोड़ी जवाब देंगे? राघवेंद्र जी क्या रहा है? आप कह रहे हैं कि गाड़ी नहीं पलटेगी, आपके नेता मंत्री सांसद कह रहे हैं विकास दुबे की गाड़ी पलटी, तो अतीक अहमद की गाड़ी पलटने में कौन सा वक्त लगेगा? हो तो कुछ भी सकता है। कल ही मैं आपके एक प्रवक्ता का बयान सुन रहा था राघवेंद्र जी, तो वो कह रहे थे कि अतीक अगर झूमा झटकी करेगा ड्राइवर से, पुलिस वालों से, हो सकता है कि ड्राइवर डिसबैलेंस हो जाए, गाड़ी पलट जाए, कुछ भी हो सकता है। उसमें आश्चर्य वाली बात क्या होनी चाहिए? आप ही के लोग कह रहे हैं सर। राघवेंद्र सिंह जी, नहीं देखिए, हमारे लोग कह रहे हैं ना, हमने बताया ना,
हमने बताया कि लंबी दूरी है, लिहाज से दुर्घटना की आशंका बनी होगी किसी ने। ठीक है, आप सुन लीजिए, यकीन नहीं होता, यकीन नहीं होता तो आप ही की पार्टी की बड़ी नेता भोपाल से सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर क्या कुछ कह रही हैं वो आपको सुनाते हैं, सुन लीजिए। कि उत्तर प्रदेश बहुत सुरक्षित प्रदेश है और उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। अतीक हो या आजम खान, इन लोगों ने जनता को बहुत सताया, बहुत परेशान किया, इनके कर्मों का फल निश्चित रूप से मिलना चाहिए। न जाने कितने लोगों को बेघर किया, कितने लोगों को मौत के घाट उतारा, तो इनके कर्मों का फल है। कर्म व्यक्ति जब करता है तो सोचता नहीं है, अवश्य में भोक्तव्यम, निश्चित रूप से भोगना पड़ेगा, घबराइए मत, उसके यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। स्वाभाविक है, रास्ते में बहुत सारे ब्रेकर होते हैं, तो इसमें किसी की कोई गलती नहीं होती भाई। गाड़ी जा रही, मेरी गाड़ी जा रही, पलट जाए तो क्या करोगे? विधाता सबका फल देता है, कर्मों का फल है। तो चलिए चर्चा पे आते हैं। राघवेंद्र जी माफ कीजिएगा, साध्वी प्राची थी, साध्वी प्रज्ञा नहीं थी, मुझसे थोड़ा भूल हुई। तो साध्वी प्राची कह रही है कि रास्ते में ब्रेकर तमाम आते हैं और गाड़ी किसी की भी पलट सकती है, भगवान के यहाँ देर अंधेर नहीं है, जैसा कर्म करेगा इंसान वैसा फल देगा भगवान। राघवेंद्र सिंह नहीं, प्राची जी है, प्राची जी ने किस परिप्रेक्ष्य में बात कही है, क्यों हाँ। कही है, कैसे कही है? अब प्राची जी भाई भारतीय जनता पार्टी की कोई प्रवक्ता तो है नहीं, प्राची जी कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं है, ना उत्तर प्रदेश का कोई शीर्ष नेतृत्व है या केंद्र का कोई, ऐसी उन्होंने कहा है परिप्रेक्ष्य, प्राची जी से पूछिए। हाँ, उन्होंने कहा आशंका व्यक्त की है, इतना लंबी दूरी है, वही मैंने कहा था ना शिवम जी, आशंका लोग व्यक्त कर देते हैं ना, इतनी लंबी दूरी की यात्रा है, स्पीड ब्रेकर आते हैं, कोई दुर्घटना रास्ते में, अभी मैंने देखा गूगल में देख रहे थे तो एक गाय के साथ एक्सीडेंट हो गया था, तो इस प्रकार की दुर्घटना 1000 किलोमीटर ऊपर की यात्रा है तो दुर्घटना हो सकती है, तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। 1000 किलोमीटर से ऊपर की यात्रा, प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर साहब, 1000 किलोमीटर से ऊपर की यात्रा दुर्घटना हो सकती है। और राघवेंद्र सिंह कह रहे हैं अभी गाय का एक्सीडेंट भी हुआ। प्रोफेसर साहब आवाज आ रही है मेरी? प्रोफेसर साहब आपको, लगता है कुछ तकनीकी खामी के चलते प्रोफेसर साहब से संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, आऊंगा आपके पास। लेकिन राघवेंद्र सर क्या लगता है, अभी मुश्किल से 3 घंटे का वक्त और है और 3 घंटे के बाद अतीक अहमद को आ जाएगा प्रयागराज और कल उसकी कोर्ट में पेशी होनी है, प्रयागराज की कोर्ट में, और उसको सजा का ऐलान हालांकि हो जाएगा। ये पहला मामला होगा जब अतीक अहमद को सजा हुई। आवाज आपकी सर शिवम जी, क्या पूछ रहे हो? मैं कह रहा हूँ ये पहली दफा होगा जब अतीक अहमद को किसी मामले में सजा मिलेगी। हाँ नहीं, अतीक अहमद एक बहुत ही सातिर किस्म का अपराधी है, 100 से ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, लगभग 1 दर्जन हत्याओं के मुकदमे हैं, ये बात कहने में मुझे कतई नहीं है, एक बहुत ही गंभीर अपराधी है, इसको जो है जेलों के सिंचों के पीछे होना चाहिए। ये कानूनी पेचीदगियों के चलते ही अभी तक बचता रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अब अतीक अहमद हो चाहे मुख्तार अंसारी हो, इस तरीके का कोई अपराधी हो, उत्तर प्रदेश से बचने वाला नहीं है। हम लोग जीरो टॉलरेंस नीति को लेकर के जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में ईमानदारी से उसे लोग लागू कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोग ये भाग हुआ करते थे कितने समय, शिवम जी अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, फूलन देवी, डीपी यादव, वरना शुक्ला, एक सैकड़ा अपराधी थे, बड़े बड़े अपराधी थे, जिनके ऊपर 100 से ज्यादा हत्याओं के आरोप, इसमें बड़े बड़े मतलब जिसमें कोई अपराध में शक नहीं किया जा सकता है, वे सब सरकार के भाग हुआ करते थे। हम लोगों ने ईमानदारी से काम करना प्रारंभ किया, आज की तारीख में उत्तर प्रदेश माफिया राज से समाप्त हो गया, चाहे किसी भी प्रकार का माफिया हो, शिवम जी उत्तर प्रदेश से गुंडागर्दी पूरी तरीके से नष्ट प्राप्त हो गई है, गो माफिया, मोरंग माफिया, शिक्षा माफिया और एक सैकड़े तरीके के माफिया उत्तर प्रदेश को किसी शासन किया करते थे, आज की तारीख में उत्तर प्रदेश माफिया राज से बिल्कुल मुक्त है, गाहे बगाहे थोड़ा बहुत अपराध हो जाता है, उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कमर कस के तैयार किए हुए, उससे भी निपट रही है।
आज की तारीख में बड़े बड़े अपराधी गले में तख्ती डाल के सामने धूमपड़ कर रहे तुरंत जी, गले बड़े अपराधी जेल में तख्ती डाल करके समर्पण कर रहे हैं, आज धूमपड़ कर रहे हैं। अब लोगों पर हजारों लाइसेंस अपराधियों को निरस्त किए हुए हैं, लोग जमानत खारिज करवा करके जेलों में जाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। ये बात बता रही है उत्तर प्रदेश से अमन चैन कायम है, अपराधियों के लिए उत्तर प्रदेश नहीं रहा है। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश भयमुक्त वातावरण बन गया है और हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत योगी पार्टनर ने जो काम प्रारंभ किया था आज पूरा हो चुका है। उत्तर प्रदेश माफिया रास्ते पूरी तरीके से मुक्त हो चुका है। लेकिन माफिया राज से मुक्त हो गया उत्तर प्रदेश, लेकिन समाजवादी पार्टी सवाल उठाती है कि आप कार्रवाई बदले की भावना से करते हैं, आप अपने लोगों पर कार्रवाई नहीं करते, चिन्मयानंद पे आपके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, कुलदीप सिंह सेंगर पे कार्रवाई नहीं की गई, लखीमपुर खीरी के जो मास्टरमाइंड था गृह राज्य मंत्री टेनी का बेटा उस पर, तो आप अतीक अहमद पर कार्रवाई करते हैं, मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई करते हैं, विकास दुबे पर कार्रवाई करते हैं, जो समाजवादी पार्टी की सरकार में पनपे हुए गुंडे माफिया उन पर कार्रवाई करते हैं, अपने जो लोग हैं उन पर कार्रवाई नहीं की जाती, ऐसा क्यों, ये पक्षपात क्यों किया जाता है? ऐसा नहीं है शिवम जी, अपराधी कोई भी हो चाहे इतना ताकतवर हो। अब समाजवादी पार्टी क्या कह रही है, कैसे कह रही है, ये सबके सामने है। कोई भी अपराधी हो उसके ऊपर हमारी सरकार ने ईमानदारी से काम किया है। जितने भी आपने अपराध गिनाए है, क्या उसके जो अपराधी हैं जेलों के स्विचों के पीछे नहीं है, कुछ जमानत पर बाहर आ जाते हैं, मुकदमे चल रहे होते हैं, वो न्यायिक प्रक्रिया है। लेकिन इस प्रकार के अपराधी कभी भी हमारी सरकार के भाग ठीक है, लेकिन प्रोफेसर साहब माफिया कोई भी हो, प्रोफेसर साहब आवाज आ रही है मेरी, प्रोफेसर साहब माफिया कोई भी हो, दहशतगर्द कोई भी हो, योगी का राज है और योगी के राज में ऐसे ही माफियाओं की कमर तोड़ी जाएगी, ऐसे ही माफियाओं के अवैध ठिकाने पर धड़धड़ाता हुआ बुलडोजर चलेगा, ऐसे ही माफियाओं के एनकाउंटर होंगे, उनको जेल में भरा जाएगा, शायद माफिया किसी भी सरकार में पनपा हो और किसी का भी संरक्षण हो उसे। देखिए मुझे दो मिनट का समय दीजिएगा शिवम जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी हमारे बताने का काम कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में रामराज्य आ गया है योगी सरकार में, क्योंकि 6 साल के कार्यकाल का वर्णन अगर हम करते हैं और इनके रामराज्य को बताने के, मुझे 2 मिनट का समय दीजिएगा जी। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज उत्तर प्रदेश में जब किसानों की हत्या करने की बात आती है तो हमें किसी आतंकवादी की आवश्यकता नहीं है, किसी अपराधी की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री का बेटा ही काफी होता है, वो निकल जाता है कार्यकर्ता घर से अपनी थार की धार लेके और किसानों की हत्या करने का काम करता है, और किसान जब आंदोलन पर बैठने का काम करते हैं उन पर फर्जी मुकदमे लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगे आती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी हमने कानपुर में देखा दिन दहाड़े बम बम बोले की बम बम गोले हो रहे थे, ये भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा था, दिन दहाड़े हत्या होने का काम करा, ये पीठ थपथपाना चाहते हैं। और सैगर जी, और हम पूछना चाहते हैं बुलडोजर सैगर जी पे कब लगेगा, चिमियान जी पे कब लगेगा, हम जानना चाहते हैं कि टैनी के घर पे बुलडोजर कब लगेगा, एक पक्षी कार्रवाई करते हैं। आज युवा यहां पर आत्महत्या करने को मजबूर है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो लगातार परीक्षा लीक होने का काम इनकी सरकार में हो रहा है, योगी सरकार उसमें टोटल विफल होने का काम कर रहा है। और आपको बताना चाहता, यही वो सरकार है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोग जिन्होंने एक डाकू को माननीय मुलायम सिंह यादव जी के खिलाफ अपना कैंडिडेट बनाया था। मैं आपको बताना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की उस सरकार को भी लोग ने देश अभी नहीं भूला है, जब इन्होंने कंधार पे आतंकवादी छोड़ने के लिए रेड कार्पेट बिछा दिया था, ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चलित चेहरा है। मैं आपको बताना चाहता हूं आज जो उत्तर प्रदेश की जो हालत है उसमें आपको बताना चाहता हूं, मां बेटी कोई सुरक्षित नहीं है, ना बेटियों की हालत देखिए, रेप आप देखिए, आप वहां बदलित बेटी को के साथ किस प्रकार का कार्य इनके सरकार में हुआ, कानपुर की घटना को आपके सवालों के सिलसिलेवार तरीके से मैं जवाब लूंगा। आप लोग चाहे इनकी राम राज्य में पीठ थपथपाने का काम करें, समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी का एक एक कार्यकर्ता इनके जो कारनामे 6 साल की जो विफलता है उसको बचाने का काम करेगा। तभी तो कह रहे हैं ना राघवेंद्र जी कि समाजवादी पार्टी की सरकार में जब माफिया पनपा था तब अच्छे अच्छे जज बेल देने से कतरा रहे थे, अपने आप को जज मतलब सामने खुल के नहीं आ पा रहे थे इसको बेल देने के लिए। मैं आपसे सिमर जी पूछना चाहता हूँ क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के 10 से 11 जज बदल गए, 12वें जज ने बेल दी, बताने का काम क्यों नहीं करते, आज वो किस पार्टी के कार्यकर्ता है,
जिस अपराधी की आप लोग बात करना चाह रहे हैं हाँ। तो उसका नाम क्यों नहीं प्रवक्ता बताते कि बहुजन समाज पार्टी के वो कार्यकर्ता है, क्यों मुख्यमंत्री डरते हैं कि बताने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है? तमाम सारे सवालों के जवाब दीजिएगा जो सवाल उठाए राघवेंद्र जी उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी का ठीक है, जवाब ले लेता हूँ, जवाब ले लेता हूँ प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर साहब जवाब ले लेता हूँ। राघवेंद्र जी, ये वही अतीक अहमद जिसके नाम से यूपी किसी जमाने में थर्रा उठता था, अगर सुन लेता कोई अतीक अहमद आ रहा है तो घर के अंदर घुस जाता था। ये स्थिति थी दहशत गर्दी की उत्तर प्रदेश के अंदर, एक ऐसा माफिया, एक ऐसा खूंखार डॉन जो किसी को भी धमकी दे सकता था, किसी की जमीन पर कब्जा कर सकता था। लेकिन आज आज वही अतीक अहमद भीगी बिल्ली बनकर मिमिया रहा है पुलिस के सामने और मीडिया के सामने झपट्टा मार के कह रहा है मेरी हत्या हो सकती है, कोर्ट के कंधे पर बंदूक रखकर मुझे मरवाया जा रहा है। शिवम जी, ये डर अच्छे है, ऐसा डर होना चाहिए। हम तो सीना चौड़ा करके कहते हैं इस प्रकार का डर अपराधियों के मन में होना चाहिए कि उसे लगे कि मेरी हत्या हो सकती है। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का राज है, मुझे याद है, सामान्य आईपीएस की बात नहीं कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश का डीजीपी अस्पूर होता था इन्हीं लोगों के आतंक के भय से, इन्हीं लोगों के आतंक के भय से उत्तर प्रदेश का डीजीपी अस्पूर होता था, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री डीजीपी को पर कार्रवाई करने से नहीं चेकता था। मुझे याद है इसी प्रकार का एक अपराधी मुख्तार अंसारी था, गाजीपुर जेल में इनके माननीय मुख्यमंत्री जी ने पक्का ताला बनवाया था इसको मुख्तार अंसारी को ताजी मछलियां मिल सके। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, ये लोग कंधार की बात करते हैं शिवम जी, इन लोगों को या तो विषय की जानकारी नहीं है, हल्की आधी अधूरी लोग राजनीति करते हैं। कंधार विमान अपहरण कांड में आम पार्टी मीटिंग तक हुई थी, उसमें समाजवादी पार्टी भी बराबर की हिस्सेदार थी, देश की सभी बड़ी पार्टियां उसमें शामिल थी। आम पार्टी मीटिंग में यह तय हुआ था श्रीमान जी, राष्ट्रीय हित के मुद्दों को इस प्रकार की हल्के रूप से प्रयोग मत किया करिए। उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता जानती है आप लोग कितने माननीय में है। मेरा तो कहना सीधा सीधा है, आप लोग मुख्तार अंसारी के साझेदार है अपराध में, आप लोग अतीक अहमद के साझेदार है अपराध में। मोटा कैसे हुआ अतीक अहमद, इसका जवाब नहीं आप लोग दे रहे, किसकी सरकार में इतना पैसा उसके बाद लाया? आप लोग बराबर के वो कह रहे हैं कि साहब देखिए हमारी सरकार में आया, हमको पता चला तो हमने उसकी सदस्यता वापस ले ली। जब कोर्ट ने आरोप सिद्ध किए, जब हमें पता चला कि अपराधी प्रवृत्ति का ये व्यक्ति है, तो हमने उसकी सदस्यता ले ली, हमारी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। अरे वाह, पानी को पप्पा कहते हैं ये शिवम जी, इनको ये नहीं पता है मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद इतने बड़े अपराधी है, एक सैकड़ा मुकदमे दर्ज है। मैं तो कह रहा हूँ लेकिन प्रोफेसर साहब मैं देखता हूँ, मैंने देखा है अतीक अहमद को समाजवादी पार्टी की सरकारों में, जब जेल से आता था या जेल जाता था, योगी आदित्यनाथ के हाल ही की बात है, जब कोर्ट में पेशी होती तो ऐसे हाथ हिलाता था बेड में से उतर के, अब हाथ हिलाना उसने बंद कर दिया साहब, अब ऐसे बैठा हुआ है चुपचाप भीगी बिल्ली बन के। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, सारे दाव सारी हकड़ निकल गई, अकड़ निकल गई सारी साहब, सारी अकड़ निकल गई योगी आदित्यनाथ ने। शिवम जी मैं बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता के पार्टी के प्रवक्ता साथी अभी बता रहे थे समाजवादी पार्टी पार्टी की सहयोगिता किसमें है, मैं इनको बताना चाहता हूँ, ये टैली जो किसानों का वो है, किसानों की हत्या का है, आप लोग हत्या रहे हो, आप प्रवक्ता है, आप लोग हत्या रहे, ये चिमियादन जी ने बलात्कार भी किया, भारतीय जनता पार्टी ने बलात्कार किया, ये वरुण जी ने बलात्कार भी किया, उसमें आपकी समाजवादी पार्टी को क्या हो गया, क्या हो गया समाजवादी पार्टी को, अतीक अहमद आ रहा है तो क्या हो गया भाई, कानपुर की घटना अतीक अहमद आ रहा है की हत्या करने में आपकी सहभागिता, कल पेशी हुई उसके भी आया भी नहीं है, आप तो जाने दीजिए, प्रयागराज की जो घटना हुई है इसमें भारतीय जनता पार्टी की सहभागिता है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ टैली ने जो हत्या करी वो भारतीय जनता पार्टी की सहभागिता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ उसके अलावा जो चिमियानंद जी ने रेप करा वो भारतीय जनता पार्टी की सहभागिता है, सैगल जी ने जो रेप करा वो भारतीय जनता पार्टी की सहभागिता है, कब बुलडोजर चलेगा करिए और आपके आप पार्टी का हर एक मुझसे कह रहा था
आपके राज में माफिया बल्ला खेलता हुआ दिखाई देता है, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, सरकार को शर्म आनी चाहिए। एक क्रिकेट खेलता हूँ अपराधी, सर आपको ठीक है हो गया सर। जोशी जी एग्रेसिव होकर दिखाना चाहते हैं, नाराज बहुत है। अरे भाई आपके खिलाफ तो भारतीय जनता पार्टी के, अभी तो देखिए अभी तो दो तीन घंटे बाकी है सर, आपके छह साल के काम में आपको प्रोफेसर साहब टोटल असफल है। प्रोफेसर साहब 100% असफल सरकार है, 100% से बनी सरकार है आपकी, ये चोरी की बहुमत की सरकार आप चला रहे हैं। तकरीबन 200 किलोमीटर की दूरी अभी प्रयागराज जाने में, कोई आशंका तो नहीं? चलते चलते आखिरी सवाल मेरा आपसे प्रोफेसर साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग इस देश के संविधान इस देश के कानून को मानने वाले लोग हैं, हम लोग चाहते हैं कि विधि पूर्वक कार्रवाई, कोई आम आदमी हो, कोई अपराधी, कोई भी व्यक्ति हो, उस पर इस देश के संविधान और इस देश के कानून के तहत कार्रवाई हो, क्योंकि हम लोग हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी इस देश के संविधान लोकतंत्र को बचाने जी। प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कोई बम चलाए, कोई धड़ाधड़ गोलियां चलाए दिन दहाड़े, और आप कानून के मुताबिक कार्रवाई करिए उसके ऊपर, फिर वो बेल लेके बाहर घूमता रहेगा, कानून को गच्चा देता रहेगा जैसे अब तक देता रहा सालों से। राघवेंद्र साहब देखिए हमारी सरकार है, हम लोग और अपराध और अपराधियों को बख्शने वाले नहीं है, ये बात कानून की करते हैं। यादव शिवम जी जब इनकी सरकार थी, इनके नेता इलाहाबाद हाईकोर्ट एक आतंकवादी को छुड़वाने जाते हैं, कहते हैं इसको छोड़ दीजिए, इसके छोड़ने से उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम सौहार्द कायम हो गया। हाँ। इलाहाबाद हाईकोर्ट का भला हो, इसने इनके कहने से आतंकवादियों को छोड़ा नहीं, और क्या इनको पद्मश्री आप देना चाहते हैं आतंकवादियों को छुड़वाने के लिए? याद करिए उन्हीं आतंकवादियों को बात को सजाए फांसी की सजा होती है, ये लोगों के कथनी और करनी में बहुत ही अंतर है। ठीक है सर, समय मेरे पास कम है, लेकिन अतीक अहमद के प्रयागराज उसकी आने में तकरीबन 2 से 2.5 घंटा बाकी है, खैर आगे आगे देखना दिलचस्प होगा होता है क्या। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का चर्चा में शरीक होने के लिए, राघवेंद्र सिंह आपका शुक्रिया, प्रोफेसर साहब आपका शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में ताई खबर लगातार जारी है, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।